दोस्तों आज के वीडियो में आपको अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर छोटी और बड़ी देख के बारे में बताने वाले हैं। छोटी और बड़ी देख का आपको दीदार कराएंगे, पूरा नज़ारा दिखाएंगे और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। ये ख्वाजा गरीब नवाज का जन्नती दरवाज़ा है, जो तमाम ज़ायरीन यहाँ पर आएंगे। 6 दिन के लिए जन्नती दरवाज़ा खोला जाएगा। 22 जनवरी से 29 जनवरी तक लाखों लोग दरबार में आकर के यहाँ पर तवाफ लगाएंगे, अपनी मुरादें मांगेंगे। ये लोगों ने अपनी अपनी मन्नतें यहाँ पे धागे बांध रखे हैं, वो मन्नतों के धागे खोलेंगे और नए धागे अपनी अपनी मन्नतों के यहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह में बांधेंगे। सब ज़ायरीन दूर दूर से ख्वाजा साहब के कोने कोने से चाहने वाले आते हैं और आके अपनी फरियाद करते हैं, धागे मन्नतों के बांधते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आकर के इन धागों को खोल करके शुक्राना अदा करते हैं। ख्वाजा साहब के चाहने वाले गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी मन्नतों मुरादों को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक पर आते हैं, जो ज़ायरीन मन्नतों के धागे खोलते हैं और आकर के शुक्राना अदा करते हैं। यह हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह का चिल्ला है। इनकी दरगाह पाकिस्तान पाक पटन के अंदर है। वहाँ पर उर्स मुबारक मुहर्रम की 5 तारीख को होता है और गरीब नवाज की बारगाह में जो चिल्ला है मुहर्रम की 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक 72 घंटे के लिए खोला जाता है। तमाम ज़ायरीन यहाँ पर आकर के हाज़िरी देते हैं, सब अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं और यहाँ पर आकर के फूल पेश करते हैं, नियाज पेश करते हैं। यहाँ पर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं तो आकर के दूध की मश्क डलाते हैं और ऐसे यहाँ पर रोज़ाना पानी की मश्क ज़ायरीन अपनी अपनी खुशियों के साथ डलाते रहते हैं। सबकी मुरादें पूरी होती हैं, गरीब नवाज की बारगाह में सब आके अपनी मुरादें मांगते हैं, सब अपने धागे बांधते हैं, धागे शुक्राना अदा करते हैं, धागे खोलते हैं गरीब नवाज के बाद। एक मिनट, ये वजू खाना है। यहाँ पर वजू बनाते हैं तमाम ज़ायरीन आकर के और ये ख्वाजा साहब के दरबार के अंदर जो मुराद मांगी थी उनकी मुराद पूरी हुई थी तो आकर के यहाँ पर ये हौज बनाया गया था विक्टोरिया लंदन से। ये ख्वाजा साहब का दरबार में बुलंद दरवाज़ा है। यहाँ पर 18 जनवरी को चांद की 25 तारीख को झंडे की रस्म अदा होगी। तो जो ज़ायरीन पहले एक गांव देहातों में कस्बों में रहा करते थे, उस वक्त कुछ ऐसा नेटवर्क नहीं हुआ करता था, उस वक्त यहाँ पर झंडे की रस्म होती थी, झंडा चढ़ाए जाने की, जो बरसों से चली आ रही है। तो ये रस्म अदा होती है तो इससे गांव-गांव, शहर-शहर, दूर-दूर तक ये संदेश जाता था कि ख्वाजा साहब का उर्स मुबारक 5 दिन के बाद शुरू होने जा रहा है। तो लोग अपने आने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम और साधन सब किया करते थे। तो ये बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म 18 जनवरी को होगी। ये ख्वाजा साहब के दरबार में बड़ी देग है, इसमें 120 मन खाना बनता है। जिनकी मुरादें पूरी होती है वो लोग आके खाना यहाँ पर बनवाते हैं, जिसके अंदर मीठा चावल बनाया जाता है, जाफरान डाल के, ड्राई फ्रूट डाल करके। नॉनवेज लहसुन प्याज नहीं बनता है। हर धर्म जाति के लोग आके बाबा का नियाज तबर्रुक प्रसाद खाते हैं यहाँ पर। तो ख्वाजा साहब के दरबार में जिसकी मुराद पूरी होती है वो लोग आके इसको खाने को बनवाते हैं और सबकी जब मुरादें पूरी होती तो आकर के यहाँ पर शुक्राना अदा करते हैं। तो आप तमाम ज़ायरीनों से गुजारिश है कि अगर आपके दरबार में दुआगो हैं तो आप उनसे रफ्ता कायम करें और अगर आपके कोई यहाँ पर दरबार में दुआगो नहीं है तो आप मुझसे रफ्ता कायम करें, मेरे नंबर पर मुझे कॉल करें और मुझसे पूरी मालूमात लें। और दरबार में देग वगैरह बनानी है या दरबार में शुक्राना अदा करना है या दरबार में धागे वगैरह खुलवाने हैं, बांधने हैं, जैसा भी है, जो भी आपका काम है दरबार के लायक, जो भी खिदमत है मेरे लिए, आप मुझे बता सकते हैं। ये ख्वाजा साहब के दरबार की देग है, बड़ी देग, इसमें खाना बनता है 120 मन, अकबर बादशाह की तरफ की बनाई हुई देग है। मीठा चावल बनता है, मीठे चावल का नियाज यहाँ पर बांटा जाता है। वो सामने में छोटा देग है सामने, उसमें 60 मन खाना बनता है। वो जहांगीर की तरफ से बनाई गई देग है। दोनों देगों के अंदर मीठा चावल बनता है, जाफरान वगैरह डाल के, ड्राई फ्रूट डाल के, नॉन वेज वगैरह नहीं बनता है। सभी दरबार में सभी धर्म के लोग आते हैं, बाबा का नियाज प्रसाद लंगर खाते हैं। वो छोटी भी बनवा सकते हैं, जिसकी मन्नत होती है कि भाई हम छोटी देग बनाना चाहते हैं छोटी देग बनाते हैं, जिसकी मन्नत होती है कि हम बड़ा देग बनाना चाहते हैं बड़ा देग बनाते हैं। वो अपने दुआगो से राफ्ता कायम करते हैं जो उनके दरबार के वकील होते हैं, और जिनके वकील दरबार में दुआगो नहीं होते हैं तो वो हमसे राफ्ता कायम करते हैं और हमें बताते हैं। जो उनका भी है मन्नत अदायगी का, हम शुक्राना अदा करवाते हैं, हम दरबार में सबके लिए दुआएँ करते हैं। Thank you.
इस सब की मुरादें पूरी होती हैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। सूखा मेवा और चावल शक्कर जो है ये ख्वाजा साहब के दरबार के अंदर उनके आशिक डालते हैं और जब देख बनता है तो उसमें शामिल किया जाता है। 120 मन खाना बनता बड़ा देख में, 120 मन खाना बनता है नियाज का, और जो सूखा मेवा और इसके चावल वगैरह जब दरबार में देख बनाई जाती है तो उसमें तकसीम किया जाता है। राजा भाई बैठा जी, राजा चलिए दोस्तों अब आपको छोटी देग का दीदार कराते हैं और यहाँ के बारे में भी जो यहाँ के खादिम साहब हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बाबा का छोटा देग है, इसमें 60 मन खाना बनाया जाता है और जिसकी मुराद पूरी होती है लोग आके अपनी तरफ से खाना बनवाते हैं। लंगर बाबा का मीठे चावल बनते हैं ड्राई फ्रूट डाल करके, नॉन वेज लहसुन प्याज नहीं बनता है, सब लोग आकर के मीठा तबर्रुक बाबा का प्रसाद खाते हैं। ये लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ चावल अनाज शक्कर वगैरह डालते रहते हैं और जब लंगर बनाया जाता है तो उसमें सब शामिल किया जाता है।